मैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश कुशवाहा, सहायक आचार्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, मानविकी विद्या शाखा से उत्तर प्रदेश राज्य श्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस क्लास में MLIS के पेपर नंबर 11E1 शोध प्रविधिया खंड एक शोध एवं शोध विधि इकाई दो के शोध विधि ऐतिहासिक विषय पे प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले इस टॉपिक पे मैं अध्ययन करूँगा कि ऐतिहासिक शोध क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, उसका तथा ऐतिहासिक शोध का महत्व क्या है। उसके साथ साथ हम ये भी अध्ययन करेंगे कि ऐतिहासिक शोध की सीमाएं कौन कौन सी है। ऐतिहासिक शोध का अर्थ, जैसे कि ऐतिहासिक से ही पता चलता है कि ऐतिहासिक शोध अतीत की घटनाओं से संबंधित होता है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई उसका वैज्ञानिक अध्ययन ही ऐतिहासिक शोध कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक समस्या, किस प्रकार कोई घटना घटित हुई, उसके पीछे क्या वजह था, उनमें कौन कौन से फैक्टर कारक में सहसंबंध किस प्रकार था, और इंसान या सामाजिक मनोवृत्तियाँ उससे किस प्रकार प्रभावित हुई, इत्यादि आस्पेक्ट को हम इसमें अध्ययन करते हैं। शोध, ऐतिहासिक शोध का अर्थ, शोध की वह अध्ययन विधि है जिसमें कि सर्वप्रथम घटनाओं, तथ्यों तथा मनोवृत्तियों के भूतकालीन झुकाव व प्रवृत्तियों को तथा मानवीय चिंतन व क्रिया में विकास का क्रम ढूंढ निकाला जाता है और उसे प्राप्त परिणाम के आधार पर वर्तमान सामाजिक घटनाओं को समझने तथा उनसे संबंधित नियमों को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात ऐतिहासिक शोध अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन है, वो घटनाएं किस प्रकार घटित हुई उसका विवेचना करता है। ऐतिहासिक शोध अनुसंधान अध्ययन की वह विधि है जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं या अतीत के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तथा देखा जाता है कि किस प्रकार से वर्तमान सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की व्याख्या व विश्लेषण किया जाए। ऐतिहासिक शोध की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दिया है। PV Young के अनुसार ऐतिहासिक पद्धति आगमन के सिद्धांतों के आधार पर अतीत के उन सामाजिक शक्तियों की खोज है जिन्होंने वर्तमान को ढाला। बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक समस्याओं के लिए शोध की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ऐतिहासिक अनुसंधान है। आइए अब हम देखते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। ऐतिहासिक अनुसंधान की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसा कि परिभाषा से ही स्पष्ट होता है कि यह अतीत पे फोकस करता है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन करता है। तो पहली है, अतीत पर ध्यान देता है, अर्थात ऐतिहासिक शोध अतीत की घटनाओं पर केंद्रित होता है तथा यह अतीत की घटना को समझने, कारकों में सहसंबंधों को समझने का प्रयास करता है तथा उस आधार पर वर्तमान में किस प्रकार या उसका किस
क्या प्रभाव है इत्यादि पर भविष्यवाणी करता है। प्राथमिक स्रोतों पर निर्भरता, यद्यपि यह कहा जाए कि ऐतिहासिक स्रोत प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर है तो यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐतिहासिक स्रोत सेकेंडरी सोर्सों पर अध्ययन किया जाता है। किंतु यह भी सत्य है कि ऐतिहासिक स्रोत के लिए प्राथमिक स्रोत अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत डायरी, आर्टिकल्स, सरकारी दस्तावेज, समाचार पत्र इत्यादि आते हैं, जो कभी कभी किसी घटना, भूतकालीन घटना के या अतीतकालीन घटना के स्पष्टीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। अतः एक अच्छे शोधकर्ता को अध्ययन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो द्वितीय स्रोतों के साथ साथ प्राथमिक स्रोतों को भी इकट्ठा करें जो उस शोध समस्या से संबंधित हो। डेटा की व्याख्या, जब एक अनुसंधानकर्ता प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों को इकट्ठा कर लेता है तो उसकी व्याख्या करता है, तथा व्याख्या से ही यह ज्ञात हो पाता है कि भूतकालीन घटना, अतीतकालीन घटना क्या निष्कर्ष होगा तथा वो वर्तमान में किस प्रकार संबंधित होगा। ऐतिहासिक स्रोतों का उपयोग, एकाधिक स्रोतों का उपयोग, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक स्रोत में एक से अधिक सूचना स्रोतों का उपयोग किया जाता है, जिससे ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में शोधकर्ता को आसानी होता है। इस शोधकर्ता को इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो भी एक से अधिक स्रोतों का वो इकट्ठा किया है उसको क्रॉस चेक कर ले, तभी जाकर वो अपने निष्कर्षों को एक अच्छे स्वरूप दे सकता है। संदर्भ का महत्व, कभी कभी ऐसा होता है कि ऐतिहासिक घटना के प्रति कुछ विचार, कुछ विद्वानों का एक अपनी विचार होती है, वो जानते हैं कि ये घटना किस प्रकार घटित हुआ, अतः शोधकर्ता को जो घटनाएं घटित हुई अतीत काल में उससे संबंधित विचारों को इकट्ठा भी करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे शोध का उद्देश्य सफल हो जाता है। गुणात्मक तरीकों का उपयोग, ऐतिहासिक शोध अक्सर डेटा का विश्लेषण करने तथा अतीत के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए सामग्री विश्लेषण, प्रवचन विश्लेषण तथा कथा विश्लेषण जैसे गुणात्मक तरीकों का उपयोग भी कर सकता है। ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य, ऐतिहासिक शोध क्यों किया जाता है, इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य निश्चित होंगे। अतः आइए मैं देखता हूँ कि ऐतिहासिक शोध के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले उद्देश्य यह है कि अतीत और वर्तमान का स्पष्ट परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना है। वर्तमान समस्या अतीत के आधार पर ही समझ में आती है। दूसरा, जब एक अनुसंधानकर्ता ऐतिहासिक घटनाओं का या ऐतिहासिक शोध समस्याओं का अध्ययन करता है तो उसके निष्कर्ष के आधार पर वर्तमान में गलतियां करने से बच जाता है, अर्थात यह अतीत की गलतियां करने से बचने में मदद करता है। यह ऐतिहासिक साक्ष्यों को पता लगाने, उनका विश्लेषण और मूल्यांकन करने और समझने की हमारी क्षमता विकसित करता है। इसके साथ ही यह पूर्वाग्रह तथ्यों की गलतफहमियों को दूर करने में मदद करता है।
यह हमें बताता है कि सामाजिक संस्थाओं के कार्य और भूमिकाएं समय समय पर किस प्रकार परिवर्तित हुए, उनमें कौन कौन से सुधार हुए इत्यादि इसका उद्देश्य होता है। यह वर्तमान समस्याओं के गहरे कारणों को समझ विकसित करता है। ऐतिहासिक शोध के प्रकार। ऐतिहासिक शोध कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। पहला प्रकार होता है ग्रंथ सूची अनुसंधान। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करना तथा उन्हें सफलतापूर्वक प्रस्तुत करना है। महत्वपूर्ण शिक्षकों के जीवन चरित्र और उपलब्धियों को बारे में यह अध्ययन करता है। कानूनी अनुसंधान, यह भी एक ऐतिहासिक शोध के प्रकार है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के कानूनी आधार का अध्ययन करना है। धर्म और जातियाँ शिक्षा के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध, शिक्षकों और छात्रों की कानूनी स्थिति, निजी सहायता प्राप्त स्कूलों का प्रशासन, स्कूल विश्वविद्यालय आदि के प्रशासन में छात्रों की भागीदारी, विचारों के इतिहास का अध्ययन, इसमें प्रमुख दार्शनिक या वैज्ञानिक का पता लगाना शामिल है। विचार अपनी उत्पत्ति से लेकर विकास के विभिन्न चरणों तक, जब किसी अध्ययन का समस्या हो तो उसे विचारों के इतिहास का अध्ययन कहा जाता है। संस्थाओं और संगठन के इतिहास का अध्ययन, इसमें मुख्य रूप से स्कूल विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों का स्थापना, उनके कार्यप्रणालियाँ, उनका क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व। अतीत के आधार पर वर्तमान का ज्ञान। ऐतिहासिक शोध एक ऐसी मात्र विधि है जिसके आधार पर अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान व्यवहार, प्रतिमानों, संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों तथा मनोवृत्तियों को सही रूप से समझा जा सकता है। व्यवहारिक उपयोगिता। व्यवहारिक जीवन में ऐतिहासिक विधि विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विधि एक ओर अतीत की घटनाओं से संबंधित तथ्यों के आधार पर वर्तमान जीवन में सुधार कार्यों के लिए एक विशेष दशा होते हैं, तो दूसरी ओर इसकी सहायता से अतीत के अनुभव से सबक लेकर वर्तमान की गलतियों को सुधारा जा सकता है। अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन। प्रत्येक समाज में अतीत की घटनाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किंतु परंपरागत समाज में सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होती जिस पर अतीत की एक सुस्पष्ट छाप देखने को न मिलती हो। परंपरागत समाज जो तथा प्राचीन संस्कृति वाले समाज में किसी भी सामाजिक अध्ययन को तब तक यथार्थ नहीं बनाया जा सकता जब तक एक विशेष तथ्य या समस्या पर अतीत के प्रभाव का मूल्यांकन न कर दिया जाए। यह कार्य केवल ऐतिहासिक विधि ही कर सकती है। द्वितीयक तथ्यों के संकलन का स्रोत। ऐतिहासिक विधि द्वारा प्राप्त द्वितीय तथ्य के समान ही होते हैं। कई अध्ययनकर्ता जब इस विधि की सहायता से अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास करता है तो यह अध्ययन द्वितीयक तथ्यों के रूप में एक महत्वपूर्ण तथ्य एकत्रित करने में सहायक बन जाता है। इसके पश्चात जब भी कभी शोधकर्ता द्वारा कोई नया शोध कार्य किया जाता है तो उसकी ये सूचनाएँ पथ प्रदर्शक के रूप में सहायता करती है। परिवर्तन की प्रकृति को समझने में सहाय। ऐतिहासिक विधि के उपयोग द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने में भी अधिक सहायता मिलती है। इतिहास के अध्ययन द्वारा यह सफलतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है कि परिवर्तन को किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए समाज को वर्तमान स्वरूप प्राप्त हो सका तथा किन दशाओं के अंतर्गत परिवर्तन की प्रकृति कैसी थी। ऐतिहासिक शोध की सीमा। किसी भी अध्ययन की अपनी एक सीमा होती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अतः ऐतिहासिक शोध की भी अपनी एक सीमा है
जो इस प्रकार है, सत्यापन की समस्या। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि ऐतिहासिक स्रोत प्राथमिक स्रोतों एवं द्वितीय स्रोतों पर निर्भर होता है, लेकिन द्वितीय स्रोत कुछ ऐसे होते हैं जिनकी प्रामाणिकता सत्यता प्राप्त करना काफ़ी एक रिसर्चर के लिए मुश्किल होता है। अतः पीबी यंग के अनुसार शोधकर्ता ऐसे किसी भी ऐतिहासिक तथ्यों की जांच अथवा परीक्षण नहीं कर सकता जो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और संख्याओं का निर्माण करने में सहायक होती है। एक रूपता का अभाव, चूँकि ऐतिहासिक तथ्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई इतिहासकार एक ही घटना को विभिन्न तरीके से लिखते हैं तथा उनका पर्सनल मनोवृत्तियों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये देखा जाता है कि ऐतिहासिक तथ्यों में एकरूपता का अभाव पाया जाता है। ऐतिहासिक विधि के उपयोग के लिए यह जानना अत्यंत कठिन होता है कि किन किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हम एक विशेष परिस्थिति या तथ्य का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक ही घटना के बारे में विभिन्न इतिहासकार के कथनों में इतनी भिन्नता होती है कि उनमें से सही स्थिति को ज्ञात कर सकना एक अत्यंत कठिन कार्य होता है। मापन और गणना में उपयोगी, चूँकि हर रिसर्च के अपने एक विषय क्षेत्र होता है तथा उनकी गणना भी की जा सकती है, लेकिन ऐतिहासिक शोध में ऐतिहासिक तथ्यों का द्वितीय स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें अंक का अभाव होता है। अतः ऐतिहासिक शोध की यह एक सबसे बड़ी दोष है कि सांख्यिक पद्धति का अभाव होने के कारण इसकी मापा गणना करना संभव नहीं होता है। ऐतिहासिक तथ्य केवल प्रकृति से विवरणात्मक होते हैं। इस तरह माप और गणना के अभाव में ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर दिए गए निष्कर्ष अधिकतर टूटीफूट हो जाते हैं। विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की समस्या, ऐतिहासिक शोध की एक कमी यह है कि इसके अंतर्गत प्रयोग में लाए जाने वाले सूचना स्रोतों अधिक विश्वसनीय नहीं होते। ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन प्राय इतिहासों द्वारा होता है और किसी भी घटना के संबंधित तथ्य को अपने अनुसार प्रस्तुत करता है, जिससे अनेक ऐसे तथ्य छूट जाते हैं जो सामाजिक अध्ययनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकते हैं। अतः इतिहासकार का पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण भी ऐतिहासिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधक बन जाता है। अपूर्व तथा बिखरे हुए तथ्य, बहुत से प्रलेख शिलालेख ऐसे मिलते हैं जो नष्ट हो गए होते हैं या और पढ़ने योग्य नहीं हो पाते हैं। ऐसे में एक रिसर्चर के लिए, एक अनुसंधानकर्ता के लिए काफ़ी मुश्किल समस्या होती है। अतः विभिन्न स्थानों कालों में समान प्रकृति की घटना का रूप भी भिन्न होता है। हमारे सम्मुख कठिनाई यह आती है कि हम किस प्रकार और किस समय की घटनाओं को सही माने। इस प्रकार तथ्यों की अपूर्णता और उनके बिखरे होने के कारण अध्ययन में अधिक समय धन श्रम भी लगता है तथा कभी कभी उनके आधार पर घटनाओं के कार्य कारण संबंध को समझना भी कठिन हो जाता है। ग्रंथ सूची। थैंक यू।